अपने भाई की अच्छी सेहत और स्पीडी रिकवरी के लिए निकी तंबोली कर रही हैं हवन। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जिस तरीके से कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या सेलिब्रिटीज, क्या आम जनता, हर कोई इसका शिकार हो रहा है और आए दिन केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी बीच में निकी तंबोली ने बताया था पोस्ट करके कि किस तरीके से उनके जो भाई हैं वो भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और आप सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है उनकी अच्छी सेहत के जल्द से जल्द ठीक होने के लिए। और आज के दिन उन्होंने पोस्ट डाला है, बहुत ही इमोशनल पोस्ट है ये, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। वो हवन कर रही हैं, उन्होंने अपने घर में हवन रखा है ताकि उनके भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और जो उन्होंने कैप्शन लिखा है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, हार्ट टचिंग है। वो कहती हैं, गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स बेटर देन यू थिंक। Of course, no one will not always get exactly what he has asked for. We all have sorrows and disappointments, but one must never forget that if commended to God, they will issue in good. His own solution is far better than any we could conceive. उनका कहना है कि अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे, जरूरी नहीं हम जो हमेशा चाहे हमें वही मिले, तो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उनके पास हमसे कई गुना अच्छा सलूशन होता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, उस तरीके का सलूशन होता है। उन्होंने लिखा है, प्रेयर्स हीलिंग गेट वेल सून भैया, वी ऑल आर विथ यू, यू हैव योर सिस्टर हु इज वेटिंग फॉर यू। ये जो लाइन है ये काफी ज्यादा इमोशनल है। वो कहती है कि आपकी बहन है जो आपका इंतजार कर रही है, तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। और फैंस भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके भाई की अच्छी सेहत के लिए। आप भी घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके भाई के जल्दी ठीक होने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखते रहे फीफा फूस इसी तरीके की खबरों के लिए।